बेटा पिछले लेक्चर पे हम लोग देख रहे थे मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है देख लिया गया था। उसमें थोड़ा सा हम आज आगे चर्चा करेंगे। कल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ हो गया था लास्ट में, और उसी को थोड़ा सा आज फिर से देखते हैं। तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन अटैच्ड एटम आर सेम एंड सेंट्रल एटम इज वन। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ये पढ़ा दिया गया था एग्जाम्पल में। CO3 डबल माइनस, यहाँ पर PO4 ट्रिपल माइनस, NO3 माइनस, BF3, ओजोन, ये सब लिखे गए थे। यहाँ पर चार तीन स्ट्रक्चर, चार तीन, यहाँ पर तीन, ये हो जाएगा दो। इसमें एक ऑक्सीजन सेंटर एटम है। ये पिछले वीडियो में बना दिया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से इन ओपन चेन कंपाउंड नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन। यहाँ पर बताया गया था आपको ओपन चेन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर CH2CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर दो, मतलब सॉरी, एक पॉइंट पे है और ये दो पॉइंट पे है। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर देखें यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। इस यहाँ तक पढ़ा दिया गया था। पार्ट सी हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थ्री स्ट्रक्चर फॉर ईच बेंजीन रिंग प्लस वन स्ट्रक्चर फॉर की एटम। यहां पर ध्यान दें, यहीं से गड़बड़ हुआ था वीडियो पिछला जो बता रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा C6CH5 होल थ्राइस सी प्लस, C6CH5 होल ट्वाइस सी एच प्लस, C6CH5 CH2 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। यहाँ पर देखें
तीन बेंजीन रिंग है तो 3 3 9 + 1 का एक कार्बन क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 रिजोनेटिंग्स के, यहाँ पर 3 2 6 and 1 4 carbon 7, यहाँ पर 3 and 1 4, यहाँ पर पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन, तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनेंगे, तो नंबर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि रिजोनेंस में किसी भी कंपाउंड को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी स्ट्रक्चर को रिजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इनका इंटरमीडिएट रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। रिजोनेंस हाइब्रिड हमेशा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है रिजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं लेकिन समान रूप से भाग नहीं लेते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस हाइब्रिड है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करता है लेकिन समान रूप से शो नहीं करता। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा शो करेगा, जो कम स्टेबल होगा उसके स्ट्रक्चर को कम शो करेगा, उसके प्रॉपर्टी को कम शो करेगा। अब तो ये देखना था हमें कि पहले तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, और स्ट्रक्चर जितने भी बनेंगे उसमें सबसे स्टेबल कौन होगा, ये चीज़ें हमें देखनी थी। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा इन चीज़ों पे कर रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे तो बता दिया गया। अब जितने भी बनेंगे उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, इसकी चर्चा हमें करनी थी। तो यहाँ पर ध्यान दें, चलते हैं देखते हैं आगे। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर पहला चार्जलेस स्पेसीज इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज। देन चार्ज स्पेसीज एग्जाम्पल में यहाँ पर ध्यान दें, ये विनाइल क्लोराइड है, यहाँ पर पहली पोजीशन, दूसरी ये तीसरी, ये सीएल का लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और ये जो बॉन्ड है माइनस चार्ज में बदल जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये माइनस हो गया, सी एच डबल बॉन्ड सी एल हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बने, एक और ये दो, पहले पर चार्ज है दूसरे पर नहीं है, तो पहला ज़्यादा स्टेबल होगा, पहले पर चार्ज नहीं है और दूसरे पर है, इसलिए जो इस पर चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। सेकेंड पॉइंट देखा जाए, भैया सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर मान लो दोनों में चार्ज है, ये चार्ज स्पेसीज टू बी स्टेबल नेगेटिव चार्ज should be on negative atom while
पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन पॉजिटिव एटम बट नॉट ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पर होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पर होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पर नहीं। मोर नंबर आपको कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन स्पेसीज मोर विल बी स्टेबिलिटी। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ये प्लस है, इसको कहेंगे एसीलियम आयन, एसीलियम आयन। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, एक सिग्मा दो सिग्मा बॉन्ड होने कारण, तो एक अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब एक एस और एक पी हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए हुए हैं। यहाँ पर होते हैं तीन पी, तो एक एस और एक पी तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिया, एक पी आर्बिटल पाई बान बना लिया, ये पाई बान बना है, एक पी आर्बिटल वैकेंट है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास छः इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से दो तो शेयर कर लिया लेकिन चार इलेक्ट्रॉन अभी अनशेयर्ड हैं। तो यहाँ पर ये जो ये पी आर्बिटल वैकेंट आप देख रहे हैं, ये अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर देगा ऐसे। तो जब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा तो ये डायग्राम बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ, यहाँ पर प्लस। तो इस तरह से दो स्पेसीज बनेगी, ये स्पेसीज फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। पर हम फर्स्ट को फिर से बना दे रहे हैं, फर्स्ट को फिर से बना दे रहे हैं इधर, ये वहाँ तो समझाए थे, ये फर्स्ट का डायग्राम पहले बन गया ये। अब अगर पूछा जाए दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दो तीन चार, यहाँ पर तीन कोवेलेंट बॉन्ड हैं, या सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर चार है, या मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड चार है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तीन है। अब आप सोच रहे होंगे एक पॉजिटिव चार्ज तो निगेटिव एटम पे है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर है, तो ये सोचना आपका गलत होगा। क्यों? चूँकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम पर है। ये ध्यान दें, कार्बन के पास छः इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस का मतलब एक चला गया, कार्बन के आउटर मोस्ट में चार थे, एक चला गया, तीन बचे, तीन शेयर कर लिया, छः हो गया। अब छः है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम है तो ये स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन की बात देखें तो ये जो कार्बन है, यहाँ पर सबका आर्कटेक एक तो कम्प्लीट है, देख लीजिएगा जिस स्पेसीज में सबका आर्कटेक कम्प्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। तो ये चीज रहेगा। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, और जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, अपोजिट चार्ज सेपरेशन, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसीज। अपोजिट चार्ज सेपरेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसीज, आई ई इफ डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो अपोजिट चार्ज नज़दीक होने चाहिए और डिफरेंट चार्ज मतलब
सिमिलर चार्ज दूर होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें, आप डायग्राम एक देखेंगे, ये एनिलीन है, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा, जैसा आपको पीछे पढ़ाया गया है। यहाँ पर NH2 प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। अब ये ध्यान दें, माइनस चार्ज बॉन्ड में बदल जाता है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर बॉन्ड में बदल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा। तो अगर माइनस चार्ज बॉन्ड में बदल सकता है तो बॉन्ड भी माइनस चार्ज में बदल सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये NH2 प्लस है, ये यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड जो है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड में बदल गया, ये बॉन्ड यहाँ पर बदल जाएगा नेगेटिव चार्ज में, ये चीज। यहाँ पर NH2 प्लस, ये माइनस चार्ज, ये चीज, ये स्ट्रक्चर वन जो चार्जलेस है, टू थ्री फोर पर चार्ज है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड सॉरी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ एंड बोथ आर ग्रेटर देन थर्ड। क्यों थर्ड सबसे कम स्टेबल है? यहाँ पर अपोजिट चार्ज दूर हैं, अपोजिट चार्ज इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, अपोजिट चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन IIT में पूछा गया था इस पे, और देखा जाए क्वेश्चन है, व्हिच Which of the following is least stable structure? Which of the following is least stable structure? ये हो जाएगा यहाँ पर,
ए, यहाँ पर बी, सी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। क्यों? चूंकि यहाँ पर ध्यान दें, अपोजिट ये सिमिलर चार्ज नज़दीक हैं, सिमिलर चार्ज को दूर होना चाहिए और यहाँ पर नज़दीक हैं इसलिए हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग यहीं पर और देखना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर इस डायग्राम को देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये लोन पेयर है, रिंग के अंदर जा रहा है, लोन पेयर रिंग के अंदर चला गया। ये पहुंचा कहाँ कहाँ पर? ये आर्थो पोजीशन पे पहुंचा है, देखो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे नहीं पहुंचा, और पैरा पे पहुंचा, यहाँ पर मेटा था, मेटा पे फिर नहीं आया, फिर यहाँ पर आर्थो पे पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मीसोमेरिक इफेक्ट है, अब यहाँ पर नोट पॉइंट लिखेंगे कुछ, नोट पॉइंट, पहला मीसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एट मेटा पोजिशन। एट मेटा पोजिशन, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मीसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। जो मीसोमेरिक इफेक्ट है डिस्टेंस से प्रभावित नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग जानते रहेगा कि यहाँ पर ध्यान दें, ये एक नेगेटिव चार्ज है, दूरी बढ़ी तब भी एक नेगेटिव चार्ज, फिर दूरी बढ़ी फिर भी एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब दूरी चाहे जितना रहे चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज डेंसिटी कम नहीं होगी, ये हो जाएगा।
यहाँ पर तीसरा पॉइंट, इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर शुड बी सेम। फोर्थ पॉइंट, ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, शुड हैव नियरली इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कोई बहुत फर्क ना हो। तो ये चीज जानते रहेगा। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, इन रिजोनेंस एटॉमिक पोजीशन शुड नॉट चेंज, ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज। ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड। तो ये चीज़ भी आप लोग जानते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। चलो भैया, टाइप ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, इट इज ऑफ टू टाइप। पहला प्लसियम इफेक्ट, प्लसियम इफेक्ट, तो दूसरा माइनस एम इफेक्ट, इसको प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको माइनस एम इफेक्ट। आर प्लस, सॉरी, तो दूसरा हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दें भैया, या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस आर इफेक्ट। अब एक एक करके देखा जाए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस एम इफेक्ट। पहला
प्लस एम इफेक्ट, इफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अकर टूवर्ड्स द चेन, देन इफेक्ट इज प्लस एम इफेक्ट एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल इज नोन एज प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप एंड देयर पावर इज एज फॉलो। यहां पर NR2, NHR, NH2, OR, OH, NHCO, CH3, OCO, CH3, एल्किल एंड फेनिल ग्रुप। यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप, यहाँ पर सी एच थ्री, ये प्राइमरी सेकेंडरी ये टर्शरी हो जाएगा, इसको भी भैया आप लोग जानते रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, यहाँ पर कि अगर आपसे कोई कहे कि हम प्लस एम ग्रुप पहचानेंगे कैसे, तो आप कहेंगे बहुत आसान सा तरीका है, प्लस एम ग्रुप पर या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर नोट करके प्लस एम ग्रुप आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप, यहाँ पर पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एल्किल ग्रुप इज नॉट प्लस एम ग्रुप बट प्ले सेम रोल एज प्लस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर समझें, यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड है,
sp2 हाइब्रिड कार्बन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पाया जाएगा। कैसे होगा ये देख लिया जाए। पहले आप यहाँ पर देख लें, एटम एक, ये दो, ये तीन, एटम दो और तीन का जो पाई बांड है, तीन पर माइनस चार बन जाएगा, और उसी समय कार्बन एक का जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर चला जाएगा, तो बांड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखो एच, ये एच, ये हो जाएगा एच, यहाँ पर एच प्लस, ये डबल बांड सी एच, ये माइनस। तो अब यही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ पर ये यहाँ पर CH3 ये यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इसको कार्बन एक बोलें, कार्बन एक, तो ये दो हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा। जैसे कार्बन एक यहाँ पर बोले हो, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। अब सेम वही चीज़, ये सी एच का जो एच है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बांड में बदल जाएगा और बांड यहाँ पर ये माइनस चार्ज में बदल जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज ये हो गया सी, यहाँ पर एच प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, और ये भी हो जाएगा एच, ये एच हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया। ये देखो अभी जब हम लोग डायग्राम बनाए थे एनिलीन का यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये NH2, ये देखो लोन पेयर, ये लोन पेयर जा रहा है बेंजीन रिंग में, रिंग के साइड में, चेन की साइड में, इसलिए इस इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट कहेंगे, NH2 को प्लस एम ग्रुप कहेंगे। और यहाँ पर देखो माइनस चार्ज आर्थो पर आ गया है, सेम वही माइनस चार्ज यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे माइनस चार्ज ये आर्थो पे आ गया। अब आगे अगर आप बनाएंगे तो ये जो यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस चार्ज बांड यहाँ पर, सॉरी, ये माइनस चार्ज बदल जाएगा बांड में और ये बांड बदल जाएगा माइनस चार्ज में। तो जैसा आप जानते हैं, तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एच प्लस, ये एच, ये एच, यहाँ पर माइनस चार्ज। ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं ये आप हाइपर कंजुगेशन के कारण देख रहे हैं। अब ये तो यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर आपने पीछे जब NH2 जोड़ा था, NH2 जो कि प्लस एम ग्रुप है, तब भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बना था, लेकिन वो स्ट्रक्चर मीसोमेरिज के कारण था और ये हाइपर कंजुगेशन के कारण है। तो आप देख सकते हो कि ये जो CH3 यहाँ पर बेंजीन रिंग से, यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3 जो बेंजीन रिंग से जुड़ा था, ये इस, अब इस पूरे को आप टालुविन कह रहे हो, ये टालुविन, तो ये हो गया टालुविन, और ये टालुविन हो गया। तो अब टालुविन में अगर आपसे कहा जाए कैसा ये जो CH3 है ये क्या कर रहा है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या कर रहा है, तो आप इसको कहेंगे हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। इस चीज़ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, देखें इस कार्बन पर, यहाँ पर एक एच है, ये देखो एक एच, यहाँ पर एक, ये दूसरा एच है, अब ये तीसरा एच है, ये। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब आप खुद देख सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग टालुविन बना रहे हैं, ये यहाँ पर आपके पास तीन एच हैं, ये अभी ये CH3 है, ये CH3 है। अब आप CH3 है तो इस एच का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पर इसका एच इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इस एच का भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो तीन एच के इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी, मतलब तीन एच के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन अगर इसी एक एच को हम लोग यहाँ पर CH3 कर दें, ये एच, एक एच को CH3 कर दें, अब देखें, तो अब अगर रिंग में जाएगा तो
इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इस CH3 का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो इस H को मान लो हम फिर से CH3 बना दें, तो यहाँ पर ये अब बचेगा एक H, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो अब एक ही H है, इसी H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो पॉसिबिलिटी और कम हो गई। और फाइनली यहाँ पर ये CH3, ये CH3, ये CH3 यहाँ पर, अब यहाँ पर तो कोई H नहीं है, तो पॉसिबिलिटी और कम हो गई। तो यहाँ पर आप अगर आप कहें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर घट रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर घट रही है, ये तो कहने का मतलब नोट करके, जैसे जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन और घट रही है, लेकिन ये चीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप इज एज यहां पर ध्यान दें, यहां पर मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्किल ग्रुप, व्हेन एल्किल ग्रुप अटैच्ड फ्रॉम अनसेचुरेटेड कार्बन, ब्रैकेट में हाइपर कंजुगेशन, यहां पर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी when attached from saturated carbon plus I effect। तो plus I effect के लिए जो hyper electron releasing power है वो ये है, और हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ये हो जाएगा। तो कई बार प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन नहीं बताते, बस केवल आपसे कह देते हैं कि सैचुरेट कार्बन से जुड़ा है या अनसैचुरेट कार्बन से जुड़ा है, इसको आपको जानना है। यहाँ पर आपको आगे बता दें, हैलोजन इज आल्सो प्लस एम ग्रुप, हैलोजन इज आल्सो प्लस एम ग्रुप यहां पर, आयोडीन माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, इनकी प्लस एम पावर का क्रम है। अब सेकंड हो जाएगा ग्रुप आर माइनस
आर ग्रुप। इफ डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अकर अवे फ्रॉम चेन, देन इफेक्ट इज माइनस एम एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल इज नोन एज माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप and their power is as आपने पीछे इस सीरीज को लिखा था माइनस आई में, तो ये माइनस आई और माइनस एम दोनों हैं, और इस सीरीज के आगे आपने लिखा था एफ सी एल बी आर आई ओ एच ओ आर एन एच टू, ये सी सिक्स एच फाइव, ये माइनस आई और एम है, मतलब अगर सेचुरेटेड से जुड़े हैं, सेचुरेटेड कार्बन से जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, विड्रा करेंगे, और अनसेचुरेटेड कार्बन से आई ई दीज ग्रुप विड्रा इलेक्ट्रॉन। व्हेन अटैच फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन व्हाइल रिलीज इलेक्ट्रॉन attached from unsaturated carbon। यहाँ पर इसको एक क्राइबोनाइट्राइड कहते हैं, यहाँ पर एक क्राइबोनाइट्राइड नहीं एक्रिलडिहाइड, यहाँ पे बांध बना देगा। अब अगर ध्यान दो, यहाँ से प्लस आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बांड, यहाँ पर ये डबल बांड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये एक्रिलडिहाइड है। ये अब ये ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ गया, माइनस इधर आ गया है,
चीन से बाहर की साइड में, इसलिए माइनस एम इफेक्ट कहेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि आप पहचानेंगे कैसे, नोट माइनस ग्रुप हैज आइदर प्लस चार्ज आर आइदर प्लस चार्ज आर मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्ट CX3। ये पहला पॉइंट था। अब यहां पर दूसरे पॉइंट में देखें, CX3 प्ले सेम रोल एज माइनस एम ग्रुप बट ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन यहां पर क्या है, आप यहां पर CH3 लिए थे, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन चेन की साइड में आ रहा है, यहाँ पर CH3 की जगह पर CL कर दिया जाए, ACL CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर आएगा और CL एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो इसको कहेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन श्रृंखला की तरफ आता है, लेकिन रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में श्रृंखला से बाहर चला जाता है। तो ये चीज हो गया, तो बता दिए आपको प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट पे भी चर्चा हो गई है। अब हम लोग एक और पॉइंट देख लें नोट करके ही, ये नोट तीसरा पॉइंट, इफ एम इफेक्ट एंड आई इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज अपोजिट टू ईच अदर, देन ईएम इफेक्ट इज सुपीरियर। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर देखा जाए CH2CH, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CL है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, सॉरी अब ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड पे माइनस आई इफेक्ट होता तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट है जो सिग्मा बॉन्ड पर लागू होता है। यहाँ पर CH2CH, यहाँ पर CL,
अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सिग्मा बांड के कारण माइनस आई है, लेकिन पहले पोजीशन पर पाई बांड और तीसरे पर लोन पेयर, इसके कारण ये है। तो यहाँ पर ये डबल बांड बना लेगा और ये इसी। तो अब ध्यान दो, ये यहाँ पर माइनस आई और प्लस एम दोनों है, लेकिन अगर माइनस आई सुपीरियर होता तो यहाँ पर माइनस चार्ज दिखता, तो यहाँ पर दिख कैसा चार्ज रहा है, प्लस चार्ज। मतलब फाइनली सीएल ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो फाइनली सीएल ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है। तो ये चीज़ आपको बताया गया कि अगर माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट दोनों एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो प्लस एम इफेक्ट जो है सुपीरियर होगा, या एम इफेक्ट जो है सुपीरियर होगा। तो ये चीज़ आज यहाँ तक हुई। हम लोग ये एम इफेक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे, आज की बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं।